نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم الحمد لله آج बहुत बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि इस मस्जिद के अंदर तरावीह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाई। ये सआदत न सिर्फ सुनाने वाले के लिए है बल्कि जिन लोगों ने इस खत्मे कुरान में मुकम्मल तौर पर अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक शिरकत की, ये सआदत उनके मुकद्दर में भी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो उनको सआदत और इनाम अता किया जाएगा वो सआदत और इनाम कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि अगर एक तराजू के पलड़े में ये सआदत रखी जाए और दूसरे पलड़े में सोना और चांदी रखकर तोला जाए तो ये पलड़ा भारी रहेगा, इस सोने और चांदी का कोई वजन नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसून बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व ग़शियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के घरों में से किसी भी घर में अगर अल्लाह की किताब का तिलावत की जाती है, अल्लाह की किताब को पढ़ा जाता है, उसके मज़ामीन और उसकी आयात को समझने की कोशिश की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चार इनाम अता फरमाते हैं। सबसे पहला इनाम ये है कि नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत पीछे सुनने वालों को और आगे सुनाने वाले दोनों के दिलों में सुकून नाज़िल फरमाते हैं, इत्मीनान अता फरमाते हैं। वो इत्मीनान जो दुनिया की सारी रकम खर्च करने के बाद आज तक नहीं मिल पाया, हर किस्म की कोशिशें करके देख ली, अच्छे से अच्छा घर बनाया, अच्छी से अच्छी गाड़ी ली, मुलाजिम भी रखे, नौकर भी और चाकर भी रखे, लेकिन वो इत्मीनान और सुकून जो हासिल नहीं हो सका था वो सुकून इस तिलावत को सुनने में रखा हुआ है। और दूसरा इनाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इनको चारों तरफ से घेर लेती है। गशिया का माना आता है ढांपना, जैसे हम किसी चीज को चादर में ही ढांप लेते, इस तरीके से अल्लाह की रहमत उस मजलिस को ढांप लेती है, उस सर के ऊपर से भी रहमत, पैरों के नीचे से भी रहमत, दाएं से भी रहमत, बाएं से भी रहमत, आगे से भी रहमत, पीछे से भी रहमत, छह तरफ से रहमत इनको घेरी हुई होती है। और उसके बाद आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और अल्लाह के फरिश्ते आसमान को छोड़कर जमीन पे उतरना शुरू होते हैं, इस तिलावत की आवाज़ को सुनकर फरिश्ते जमीन पे आते जाते हैं और जहाँ ये तिलावत की जा रही होती है, जहाँ पर कुरान मजीद को पढ़ा जा रहा होता है, उस तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं और हर तरफ से फरिश्तों ने इस इमारत को घेरे में लिया हुआ होता है। और चौथा और सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी खुसूसियत की जो बात है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हजरात का तज़किरा अपने पास मौजूद फरिश्तों की मजलिस में करते हैं। जिस तरह ये जमीन में कुरान मजीद को सुन रहे होते हैं, इस तरीके से इसकी बरकतों की वजह से खुद तो जमीन पर होते हैं, इनके नामों का तज़किरा आसमानों के ऊपर हो रहा होता है और वहाँ इनका तज़किरा चल रहा होता है। और सिर्फ ये चार खुसूसियात इस कुरान मजीद के साथ नहीं, बल्कि अगर कुरान मजीद की तरफ गौर से देखा जाए तो जो चीज़ भी कुरान से जुड़ती है, अपना ताल्लुक कुरान से बनाती है, अल्लाह ने उसको सबसे आलीशान मकाम अता फरमाया। सारी इंसानियत के अंदर, सारी मखलूकात के अंदर उसका मकाम एक नुमाया और अलग मकाम नजर आता है। अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा जाए जो इस कुरान मजीद को लेकर जमीन पर आए थे, तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहलाए, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल कुरान को लेकर आए तो सरदार बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाज़िल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया बन गए।
ये कुरान मजीद रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ, तो इसकी बरकत से इस मुबारक महीने की खूब आसमतें और बरकतें हुई। साल के 12 महीनों की कोई बरकत ऐसी नहीं जो इस एक मुकद्दस महीने की बरकत है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान, कुरान रमजान का तारुफ भी ये है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और फिर ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसियत अदा फरमाई, 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर उसका सवाब रखा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये वो रात है जिसमें कुरान आसमान दुनिया के ऊपर आया, लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक कुरान का सफर हुआ। इस रात की अजमत इतनी है कि साल के अंग्रेजी हिसाब से 365 दिन, इस्लामी हिसाब से 360 दिन, इनमें कोई एक दिन ऐसा नहीं जो इस रात का मुकाबला कर सके, बल्कि एक दिन तो दूर की बात है। सालों की इबादत इस एक रात की इबादत से कम दर्जा इख्तियार करती है, और फिर ये कुरान इस उम्मत को मिला। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे अफजल उम्मतों का इंतखाब अता फरमाया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसका इससे ताल्लुक कायम हुआ उसके दर्जात बुलंद होते गए, उसका मकाम और मर्तबा बढ़ता गया, और जिन सीनों ने इस कुरान को महफूज किया होगा उन सीनों की आज़मतें कितनी होंगी। ये तो कुरान मजीद नाजिल हुआ है, इस दिन में नाजिल हुआ, इस महीने में नाजिल हुआ, इस उम्मत पर नाजिल हुआ, इस नबी पर नाजिल हुआ, लेकिन जिन सीनों ने इस कुरान को महफूज किया है उन सीनों की आज़मतों का अंदाजा नहीं। कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, अगर इस कुरान पाक को हम पहाड़ पर उतारते इस कायनात की सबसे मजबूत तरीन चीज हमारी और आपकी नजर में पहाड़ है जिसको हिलाना मुमकिन नहीं, लोहा है उसको हिलाया जा सकता है और दूसरी चीजें हैं उनको हिलाना मुमकिन है, लेकिन पहाड़ एक ऐसी चीज है जिसको हिलाना नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस कुरान को पहाड़ पर उतारा जाता तो इसका बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त न कर पाता, पहाड़ भी इसके बोझ से रेजा रेजा हो जाता, कपकपाने लगता। तो इन दिलों की अजमत का अंदाजा न मैं कर सकता हूँ न आप कर सकते हैं जिन दिलों ने इन कुरान मजीद को महफूज करके रखा हुआ है और आज इस कुरान को मुसल्ले पर चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहते हैं, और सिर्फ इस कुरान मजीद से ताल्लुक का दुनिया में फायदा आखिरत में फायदा नहीं बल्कि दुनिया में भी फायदा नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ऊ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़ऊ बिही आख़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब की वजह से दुनिया में लोगों को तरक्की अता फरमाते हैं, रिफ़अत और बुलंदी अता फरमाते हैं, व यज़ऊ बिही आख़रीन, और जो इस किताब को पसे पुश डाल देता है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लील और रुसवा फरमा देते हैं। आज हमारे सामने हमारी अपनी हालत खुद मौजूद है, आज हम कुरान मजीद को पसे पुश डालकर जिस किस्म की जिल्लत का सामना कर रहे हैं ऐसी जिल्लत हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। आज से अगर कुछ 100 साल पहले जाएं तो ये उम्मत राज करने वाली उम्मत थी, ये उम्मत वो थी जिसकी सल्तनत इतनी तवील होती थी कि बादल यहाँ से चलता जहाँ पर पहुँच के बरसता, इस उम्मत की हुकूमत हुआ करती थी। और आज भी अगर साइंसी तरक्की को देखा जाए तो उसके पीछे अक्सर बुनियादी नजरिए अलजबरा का कानून हो बैरूनी के कानून हो सारे बुनियादी नजरिए वही हैं जो इस उम्मत के लोगों ने इजाद किए थे। उस वक्त वो कुरान के साथ जुड़े रहते थे, कुरान पर अमल करते थे, तरक्की उनका मुकद्दर थी, और आज हमने कुरान को पसे पुश डाला, आज जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। इसलिए कुरान मजीद से ताल्लुक कायम करें, कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों से ताल्लुक कायम करें। मैं बगैर कोई